हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम कैलेंडर का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले पहले पार्ट में हमने बेसिक पढ़ा था कि कैसे आपको ओ डेज निकालने हैं। जो भी आपका बेसिक था हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो वो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको ये सेकेंड पार्ट देखना है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, आप सभी को पता है जो हम डेट लिखते हैं, कोई भी तारीख लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। पहले हम तारीख लिखते हैं यानी कि डेट, फिर हम महीना लिखते हैं, फिर हम साल लिखते हैं। इस तरह से हम तारीख लिखते हैं। मान लीजिए कोई भी तारीख आपको लिखनी है, मान लीजिए जैसे 27 जनवरी या फिर 26 जनवरी 2022, कुछ भी आपको लिखना है, 27 28 जनवरी। तो यानी कि पहले तारीख लिखी, फिर महीना लिखा, फिर साल लिखा। तो आपके यहाँ पर तीन ही टाइप बनेंगी। तो कैसे, आपको या तो कोई भी आपको तारीख बदल देगा या फिर महीना बदल के दे देगा, बाकी दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, या फिर साल बदल देगा, ये बाकी दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, या फिर चौथी टाइप बना देगा इन सब का मिक्स, इन सब का मिक्स करके, ठीक है। यानी कि कोई भी दो चेंज कर देगा या फिर तीनों चेंज कर देगा। यदि आपको अलग अलग समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, पहली टाइप में तारीख चेंज कर देगा बाकी दो, ठीक है। दूसरी टाइप में महीना चेंज कर देगा बाकी दो फिक्स रखेगा। तीसरी टाइप में साल चेंज कर देगा बाकी तारीख और महीना सेम रखेगा। चौथी टाइप में कोई भी कॉम्बिनेशन वो ले सकता है। तो ये आपकी टाइप है, तो कवर करेंगे हम। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे, यदि आपको वो तारीख बदल के दे दे, ठीक है। क्या बदल के दे दे, तारीख। जैसे कि आपको दे देगा कि 2 जुलाई 1972 को यदि संडे है, यदि रविवार है, तो आप बताइए 28 जुलाई 1972 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। यहां पर आपको देखा 2 जुलाई 1972 को यदि संडे है तो 28 जुलाई 1972 को कौन सा दिन होगा, ये आप लोगों को बताना है। अब देखिए ये हमारी तारीख है, ये महीना है, ये साल है। तो साल सेम है, महीना सेम है, केवल यहां पर बदल दी तारीख। महीना सेम है, साल सेम है, केवल और केवल क्या बदल दी, तारीख बदल दी। तो यानी कि आपको करना क्या है, इस तरह की टाइप में 2 जुलाई से आपको जंप करना है 28 जुलाई। यदि आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया तो अब आप कर लेंगे। अब देखिए 2 से 28 आपको जाना है, इसका मतलब क्या है, 26 दिन आगे जाना है। तो यानी कि 2 से 28 आप कैसे पहुंचेंगे, यदि आप 26 इसमें जोड़ दें, 26 इसमें जोड़ दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 28। देखिए 2 में यदि 26 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 28। यानी कि 26 दिन यदि आप इसमें ऐड करें, या तो एक तरीका है आप लोगों का इसमें 26 ऐड कीजिए, यानी कि संडे है, साथ साथ का गैप देके 26 तक जोड़ते चलिए, या फिर विषम दिन निकाल लीजिए। आपने गैप निकाल लिया 26 का, अब इस 26 को 7 से भाग कर दो। यही हमने बेसिक में पढ़ा था कि आपको विषम दिन निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं, केवल और केवल 7 से भाग कर दो, जो शेष बचेगा वो हमारा क्या होगा, विषम। अब कितने पे कटेगा ये, 7 या 21, यानी कि 5 हमारे यहां पर क्या आ गए, ओड डेज। अब आपको क्या करना है, अब इस 26 की बजाय ये 5 ऐड करना है 2 जुलाई में, यानी कि 2 जुलाई को क्या था, संडे था, तो इसमें आपको क्या जोड़ना है, प्लस 5। क्या जोड़ना है, प्लस 5। तो यानी कि प्लस 5 कैसे जोड़ेंगे, संडे से आगे जाएंगे, ठीक है। संडे से आगे क्या जाएंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार। तो 5 चले गए शुक्रवार, तो यानी कि इस दिन कौन सा दिन होगा हमारा, फ्राइडे। सबसे सिंपल है हमारा तारीख वाला, कि आपको केवल और केवल तारीख बदल के दे दे, बाकी सारी चीजें सेम रहे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको केवल तारीख जो दे रखी है उसके बीच का गैप निकालिए, जो गैप आया है, अंतर आया है, उस अंतर को 7 से भाग दीजिए, और 7 से भाग करके जो शेष बचेगा उसको आप ऐड कर, जो दो भी तारीख दे रखी है। सिंपल फंडा है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट है। सेकेंड अब हम देखते हैं, अब तो इसीलिए हमने पहली जो हमने बेसिक करा है इसीलिए जोर दिया है, ताकि आपको सभी चीजें समझ में आ जाएं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम, 18 अप्रैल 2003, 18 अप्रैल 2003, तो 18 अप्रैल 2003 को यदि मंडे है,
इस दिन क्या दे रखा है भाई, सोमवार दे रखा है 18 अप्रैल 2003 को, तो आपको बताना है 18 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा, 18 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा ये बताना है हमें, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब आप इसमें अब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि तारीख सेम है, साल सेम है, केवल क्या बदल दिया यहां पर, महीना बदल दिया। यही मैंने आप लोगों को बताया था, तारीख बदलेगा या फिर महीना बदलेगा या फिर साल बदलेगा या फिर इनका कंबिनेशन ले लेगा किसी दो का या किसी तीन का। पहले टाइप में हमने किया तारीख बदल दी, तो अब कैसे करेंगे भाई, तो वही साल सेम है 2003, लेकिन आपको क्या करना, 18 अप्रैल से कहां तक जाना है, 18 अगस्त तक जाना है, 18 अगस्त तक जाना है। अब आप एक बात बताइए मुझे, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से आपको कहां तक जाना है, अगस्त तक जाना है। अब 18 अप्रैल तो आप चले गए, अप्रैल कितने का होता है, 30 का। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल पहले बता चुका हूं, जनवरी फरवरी कितने और डेज होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, होते हैं कि नहीं, तो 18 तो ये दे चुका है आपको जाना है इससे आगे, तो यानी कि 30 में से 18 तो जा चुके हैं, बचे कितने हैं, केवल 12। अप्रैल के कितने बचे हैं, केवल 12। अब बात आएगी मई, फिर आएगा जून, फिर आएगा जुलाई, और अगस्त में आपको जाना है 18 तारीख तक। अगस्त में कहाँ तक जाना है, 18 तारीख तक, और अप्रैल के आपको 12 और आगे ऐड करने। कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, अप्रैल के 18 दिन लेते हैं। अब आप एक बात, ये 18 से आपको आगे जाना है, ये अप्रैल है, ये आपका एक है, ये दो है, तीन है, ये 18 है, 30 दिन होते हैं, यानी कि 18 तक तो वो दे चुका है, आपको इससे आगे जाना है, यानी कि 18 से 30 कितने दिन और आगे जाना है, तो 30 में से 18 घटा दो, 12 दिन और आगे जाना है, तो आपको 18 नहीं यहाँ पर कितना लेना है, 12। अब देखिए अप्रैल के बाद आप किस में जाएंगे, मई में। अब मई में कितने दिन होते हैं, मई में होते हैं 31 दिन, कितने होते हैं 31, जून में 30, जुलाई में 31, और अगस्त में केवल आपको 18 तक जाना है, ठीक है। तो अब ओड डेज कैसे निकालते हैं, 7 से भाग करके। पहले मैंने बताया था कि 31 वाले में 3, 30 वाले में 2, 31 वाले में 3, ठीक है, इसी तरह से बताया था। अब 12 वाले में क्या होगा, 7 से भाग कीजिए, 7 एकम 7 कितना बचेगा, 5। अब इसको भी 7 से भाग कीजिए, 7 दूनी 14 कितना बचेगा, 4। तो यही तरीका होता है, सारा फंडा केवल क्या है, दिन लिख लो यहां पर, महीने लिख लो, और 7 से भाग करते चले जाओ, विषम दिन अपने आ जाएंगे। अब एक तरीका है, इन सबको ऐड कर दो, या फिर जो 7 से का एडिशन है उनको काट दो, यानी कि जब इनको आप ऐड करोगे 5 और 2 7, डायरेक्ट इनको काट दो, या फिर ऐड करके भी काट सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। 5 और 2 7 मैंने काट दिया, क्योंकि ये क्या है, 7 है, तो 3 और 3 6 और 4 10, तो ये कितना आ गया, 10। तो अब इसको दोबारा 7 से भाग करो, तो ओड डेज कितने आ गए हमारे पास, 3, कितने विषम दिन आ गए, 3। तो आपने विषम दिन निकाल लिए भाई 3, तो अब क्या करेंगे, अब इस 3 को इस मंडे में जोड़ देंगे, यानी कि 3 दिन आगे जाएंगे, मंडे के बाद क्या आएगा आपका, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। तो इस दिन हमारा क्या होगा, वीरवार। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। तो कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि यहाँ पर 5 और 2 क्यों काटा। देखिए 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 4 17, तो इन सबको आप जोड़ेंगे तो 17 आएगा। अब 17 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, तो 3 आपका शेष बचेगा। तो यहां पर भी 3 बचा है, यहां पर भी 3 बचा है। कहने का मतलब क्या है, जिनका आपका योग 7 बनता है उनको आप डायरेक्ट ऐसे काट सकते हो, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है। आप देखिए जिसमें बच्चे क्या है, अगला क्वेश्चन कि आपको 24 जून 2011 24 जून 2011 दिया हुआ है। क्या है, इस दिन शुक्रवार है,
इस दिन क्या है? शुक्रवार है। तो आपको बताना है 24 जून 2012 को कौन सा दिन होगा, ठीक है? 24 जून 2011 दे रखा है शुक्रवार, तो 24 जून 2012 बताना है आप लोगों को कौन सा दिन होगा। अब देखिए आप लोगों ने एक चीज देखी, आपको क्या करना है, यहां पर तारीख सेम है, महीना सेम है, 24 जून 24 जून, केवल यहां पर क्या बदल दिया, साल बदल दिया, यानी कि आपको डायरेक्ट 2011 से अगला साल जंप करना है 2012। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल यदि आपका साधारण दिन है तो आपका कितने ओड डेज होते हैं, एक। यदि आपका लीप ईयर है यानी कि 366 दिन है तो आपके ओड डेज कितने होते हैं, दो। तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि इसमें आपका फरवरी 29 दिन का होता है। अब देखिए आप 2011 से 2012 जाएंगे, ठीक है, कैसे जाएंगे, 24 जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यानी कि 2011 खत्म। अब 2012 का क्या आएगा, जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा, यानी कि जो ये 2012 है ये आपका लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर कैसे चेक करेंगे, आखिरी दो संख्याएं क्या है, 4 से विभाजित हो रही हैं, तो ये हमारा लीप ईयर होगा। यानी कि फरवरी बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो फरवरी बीच में आएगा तो आपके 29 दिन होंगे, ठीक है। तो स्कैन की बात है, यदि आप डायरेक्ट एक साल जंप करोगे तो आपको सीधा दो जोड़ना है उसमें, यदि आप सिंपल साधारण साल को क्रॉस करेंगे तो आपको एक जोड़ना है, ठीक है। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, सिर्फ देखा आपने लीप ईयर है और फरवरी बीच में आ रहा है, ऐसा नहीं है सर आपने लीप ईयर देख लिया और फरवरी आपका बीच में नहीं आएगा, यदि फरवरी बीच में आ रहा है तभी आप दो ऐड करेंगे, यदि फरवरी बीच में नहीं आ रहा है तो चाहे वो लीप ईयर है या नहीं है तो केवल आपको एक ही ऐड करना है, ये ध्यान रखना है। तो अब इसमें दो ऐड कर देंगे, यानी कि शुक्रवार में दो जोड़ेंगे शनिवार और फिर अगला इतवार यानी कि संडे होगा इस दिन, 24 जून 2012 को हमारा क्या होगा, संडे होगा। समझ में आ गई ये चीजें, दो क्यों जोड़ा, क्योंकि 2012 आपका लीप ईयर है और जब आप एक साल जंप करते हैं डायरेक्ट तो आप कितना जोड़ते हैं, दो, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जून 2011 24 जून 2011 और आपको बताना है 24 जून 2008 तो 24 जून 2011 को क्या दे रखा है भाई, शुक्रवार, क्या दे रखा है, शुक्रवार, और आपको बताना है 24 जून 2008 को कौन सा दिन था। अब देखिए आप बोलेंगे इसमें क्या है, तारीख सेम, महीना सेम, और केवल केवल और केवल क्या बदल दिया यहां पर, साल। तो यहां पर 11 का दे रखा है, आपको बताना है 8 का, आपको डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। यदि आपको पीछे का पूछे तो आपको माइनस करना है, केवल आपका काम है ओड डेज निकालना। यदि आपसे बैक की पूछ रहा है तो माइनस कर देना है, और आगे की पूछ रहा है तो आपको प्लस कर देना है, बाकी आपको इसमें आगे पीछे की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको 24 जून, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, 24 जून 2008, आपको जाना है 2009, फिर जाना है 2010, फिर जाना है 2011, ठीक है, आपको जाना है 2011। तो कितने साल हुए ये, एक साल ये, एक साल ये, एक साल ये, ठीक है। आपको दे रखा ये वाला, कितना दे रखा, फ्राइडे, और आपको बताना है ये वाला, बस माइनस कर देना है, ओड डेज निकाल लो। अब ओड डेज कैसे निकाल लोगे, अब 2000 जब 8 से 9 जाओगे, तारीख सेम, महीना सेम, केवल केवल साल जंप करना है, तो 2009 क्या लीप ईयर है, नहीं है, तो कितना ऐड करोगे, एक। अब 2009 से 10 जाओगे तो 10 को देखिए, 10 क्या लीप ईयर है, नहीं है, तो कितना ऐड करोगे, एक, ठीक है। अब 10 से 11 जाओगे, क्या 11 लीप ईयर है, नहीं है, तो कितना ऐड करोगे, एक, क्योंकि लीप ईयर है तो दो, लीप ईयर नहीं है तो एक ऐड करना है, तो टोटल कितना करना है, तीन।
ठीक है, यानी कि ओड डेज। यदि यहां से यहां जाते तो प्लस तीन, यानी कि ओड डेज निकाल लिया आपने तीन। लेकिन आप लोगों को क्या पता है भाई, हमें शुक्रवार पता है लेकिन पीछे का बताना है, तो अब आप क्या कर दोगे, प्लस तीन की बजाय माइनस तीन, बस इतना अंतर है। आपने इस तरह से लिख लिया, डिफरेंस निकाल लिया, ओड डेज कितने हैं ये पता है और पीछे का बताना है। आप शुक्रवार में तीन घटा दो, तो तीन कैसे घटाओगे, शुक्रवार से पहले क्या आएगा वीरवार, फिर क्या आएगा बुधवार, और फिर क्या आएगा मंगलवार। तो इस दिन क्या होगा हमारा, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। क्लियर सबको, इतना सिर्फ आपको करना था, ठीक है। अब मान लीजिए यदि आपको ये दे रखा होता, ठीक है, ये दे रखा होता कि इस दिन क्या है भाई, ये है आपका मंगलवार, तो इस दिन बताइए क्या होगा। बात तो वही है, फंडा तो वही है, यदि इस दिन ट्यूसडे है तो इस दिन बताइए। तो तरीका यही है, आपने ये निकाल लिया ओड डेज कितने हैं तीन, अब ट्यूसडे में तीन जोड़ दो तो क्या आएगा शुक्रवार। आपको ये दे रखा तो पीछे जाना है तो माइनस, आगे जाना है तो प्लस, ये आप नोट करके लिख लेंगे। आगे जाना है तो प्लस और पीछे आना है तो माइनस, ठीक है, बाकी सभी तरीके आपके सेम हैं। अब नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब जो फंडा लगना है आपका, इन सभी का कॉम्बिनेशन, जो सबसे मुश्किल आपका क्वेश्चन बना सकता है इन सब का कॉम्बिनेशन करके, अब वो कैसे बनाएगा देखिए, नोट डाउन करते हैं। आपको दे रखा है क्वेश्चन है, क्या दे रखा है भाई, 3 दिसंबर 2000 को यदि संडे है, 3 दिसंबर 2000 को यदि संडे है तो आपको बताना है 3 जनवरी 2001, क्या बताना है 3 जनवरी 2001। करिए तो आप, सिंपल भी है ये तो, आप डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए इस दिन बताना है क्या होगा, ये तो आप सिंपल है, कैसे करेंगे, आपको सिर्फ जनवरी तक जाना है, यानी कि दिसंबर में कितने दिन होते हैं 31, 3 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक जाना है आपको, ठीक है। अब 2000 का है 3 दिसंबर, तो दिसंबर में कितने दिन होते हैं 31, 3 आप जा चुके हैं तो आपको आगे जाना है, तो यानी कि 28 दिन और आगे जाना है, ठीक है। तो दिसंबर खत्म और 2000 भी खत्म, अब आएगा जनवरी 2001 का, और कहां तक जाना है, केवल 3 जनवरी तक, ठीक है। तो 28 ये है प्लस 3 ये है, तो 7 चौक 28, इसका तो 0 आ गया और ये 3 आ गया, तो केवल आप कर देंगे इसमें 3 ऐड, तो 3 ऐड करेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इस दिन क्या आ जाएगा बुधवार। ये तो सिंपल क्वेश्चन था आपका, बुधवार आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि आपके महीने कम थे, इसमें तो आपको डायरेक्ट निकाल लोगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जनवरी 1991 को आपको दे रखा है कि आपका शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को बताना है क्या होगा। यदि इस दिन शनिवार है तो अब इसमें देखिए आपका तारीख भी बदल दी, महीना भी बदल दिया और साल भी आपका बदल दिया, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन कर दिया। यदि आपको ये टाइप समझ में आ गई तो अब आप सब कुछ कर लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे ये टाइप आप, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो तारीख और महीना है उसके ओडिज अलग निकालेंगे और जो साल है उसके ओडिज अलग निकाल लेंगे और उनको फिर ऐड कर देंगे। समझ में आ गई, जब भी आपका तीनों बदल के दे तो तारीख और महीने के विषम दिन अलग और साल के अलग निकाल लेंगे। देखिए अब यहां पर आपको क्या करना है, 5 जनवरी से 3 मार्च के बीच निकालना है और यहां पर आपको केवल एक साल जंप करना है 1991 से 1992। ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज और ध्यान रखिए, लीप ईयर या तो इसमें काउंट कर लो या इसमें काउंट कर लो, एक बार लीप ईयर काउंट करना, ऐसा नहीं आप इसमें भी लीप ईयर काउंट कर रहे हो और इसमें भी, या तो साल में लीप ईयर काउंट कर लो या फिर इसमें लीप ईयर काउंट कर लो, केवल एक बार आपको काउंट करना है, ये चीज ध्यान रखनी है।
तो पहले हम निकालते हैं इस वाले पोर्शन का, ठीक है। कैसे, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, लेकिन आपको जाना है 5 से आगे, तो 5 ऑलरेडी जा चुका है, 5 को हटाइए, बचे कितने, 26 जनवरी। उसके बाद जाना है फरवरी, फरवरी में कितने, 28। इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि हम लीप ईयर इसमें काउंट करेंगे, तो इस वाले में आपको साधारण लेके चलना है। यदि इसमें 29 लेके चलोगे तो इसमें साधारण लेके चलना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हम इसमें साधारण लेकर चल रहे हैं फरवरी को, लीप ईयर हम साल में काउंट कर लेंगे, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च को आपको जाना है 3 तारीख तक, ठीक है। तो अब इसको निकाल लो, 26 प्लस 28 प्लस 3, तो 26 वाले में कितने होते हैं, 7 या 21, तो 5 और ये 7 चौक 28 0 और पी प्लस 3, ये हमारे आ गए 8, और दोबारा से 7 से भाग करो तो 1, ठीक है। तो इसके हमने निकाल लिए भाई, और डेज हमारे कितने आ गए, 1 आ गया, कितने आ गए, 1 आ गया, समझ में आ गई। 5 जनवरी से 3 मार्च, इस वाले के विषम दिन अलग, साल वाले के अलग निकालने हैं, तो 26 जनवरी फिर फरवरी 28 का साधारण लेके चलेंगे इसमें, फिर 3 मार्च तक जाना है, तो 26 28 3, इसकी 0 हो गई, 7 से भाग करोगे इसके 5, इसके 3, तो 5 और 3 8, तो 7 से ज्यादा है, तो एक बार और 7 से भाग करो तो 1 आ गया। अब हम निकालते हैं साल वाले के साधारण दिन। अब कैसे निकाल लोगे भाई, आपको एक साल जंप करना है और फरवरी बीच में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फरवरी बीच में आ रहा है, तो यानी कि ये देखिए लीप ईयर है कि नहीं है, तो कैसे चेक करोगे, आखिरी दो संख्याएं 4 से भाग होंगी कि नहीं होंगी, तो होंगी सर, 23 पे कट रहा है, तो यानी कि 92 लीप ईयर है और फरवरी भी बीच में आ रहा है, तो मैंने बोला था जब साल जंप करेंगे और लीप ईयर हो तो कितना जोड़ेंगे, 2। कंसेप्ट यूज हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि साल के अलग और इस वाले के अलग निकालने हैं। अब दोनों को जोड़ दो, 2 इसके और 1 इसका, तो यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे 1 प्लस 2, तो टोटल कितने आ गए आपके, 3 ओड डेज आ गए, ठीक है। अब इसको जोड़ दो इसमें 3 को सैटरडे में, तो सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे, फिर आपका आएगा मंडे, फिर आएगा ट्यूजडे, यानी कि इस दिन क्या था, मंगलवार, ठीक है, इतवार सोमवार मंगलवार, 3 दिन आप लोगों को इसमें जोड़ने हैं, तो इस दिन क्या हो जाएगा भाई, ट्यूसडे, समझ में आ गई। तो अब आप देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर मैं तो इसमें लीप ईयर जोड़ूंगा, जोड़ लो भाई, इसमें आप 29 ले लो, इसमें यदि आप 29 लेके चलोगे 29, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1, 7 चौक 28 1, तो 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 आ गया, 9 को 7 से भाग दोगे तो कितने दिन आ जाएंगे, 2। अब यहां पर आपने लीप ईयर काउंट कर लिया क्योंकि 29 ले लिया, तो यहां लीप ईयर नहीं काउंट करोगे, यहां साधारण मान के चलोगे, तो एक साल जंप कर रहे हो तो एक साल के लिए 1 ऐड करेंगे, तो ठीक है। अब 1 यहां से आ गया, 2 यहां से, बात वही है, 3 ही आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लीप ईयर या तो इसमें काउंट कर लो या इसमें काउंट कर लो, एक बार काउंट करना है सिर्फ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर आपको इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है क्वेश्चन, 15 अगस्त 2003 15 अगस्त 2003 को यदि शुक्रवार है तो 27 मई 2015 को बताना है कौन सा दिन होगा यदि इस दिन फ्राइडे है, बताइए। अब इसमें सभी चीजें चेंज कर रखी है, तारीख भी, महीना भी और साल भी, चीज वही है, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे फिर हम करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका लास्ट है, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस तरह के क्वेश्चंस में। अब देखिए कैसे करेंगे भाई, हम क्या करते हैं, 15 अगस्त 2003 से हम काउंट कर लेते हैं 15 अगस्त 2015, क्वेश्चन करना है कैसे भी कर लो, 15 अगस्त 2015 तक काउंट कर लेते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा दिन काउंट करे हैं वो हम घटा देंगे। हमने एक्स्ट्रा दिन कौन से काउंट कर लिए, मई
जून, जुलाई और हमने काउंट कर लिया 15 अगस्त। ये हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया क्योंकि हमें जाना था 27 मई तक, लेकिन हम काउंट कहाँ तक कर रहे हैं, 15 अगस्त तक, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। इसको हम घटा देंगे, अपना क्वेश्चन हमने सिंपल बना लिया। सिंपल कैसे बना लिया, हमने तारीख सेम कर दी, महीना सेम कर दिया, केवल और केवल साल बढ़ा दिया। तो हमने अपनी टाइप चेंज कर दी और जो हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड करा है वो हम घटा देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन को सिंपल बनाना है इसीलिए हमने ये किया है। अब देखिए इसमें क्या किया आपने, तारीख सेम, महीना सेम, केवल केवल साल आप लोगों को निकालना है। अब क्या ये लीप ईयर है, अब देखिए 2003 से आपको कितना जाना है, 2015, कितने साल आगे जाएंगे, 3 से 15 12 साल, कितने आगे जाएंगे, 12 साल। अब क्या ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं करवाया कि 12 साल में आपको ओड डेज निकालने हैं कितने हैं, करवाया कि नहीं। सबसे पहली टाइप करवाई थी कि 75 सालों में बताइए ओड डेज कितने होंगे, अब वही टाइप यहाँ पर आपकी यूज होगी। तो देखिए ये सेम है, ये सेम है, केवल आपको 12 साल आगे जाना है। तो 12 साल में ओड डेज निकाल लो कितने हैं। तो 12 सालों में कैसे निकाल लोगे भाई, ओड डेज कितने हैं, देखिए 12 सालों में कैसे निकाल लोगे। पहले तो इसमें देख लो कि लीप ईयर कितने हैं, ऑर्डिनरी प्लस लीप ईयर। तो लीप ईयर कैसे निकालते थे हम, 12 को 4 से भाग करके, 4 दिए तो कितने लीप ईयर है, 3, और साधारण कितने हैं, 9। ठीक है, 4 से भाग करके ही तो देखते थे हम लीप ईयर कितने हैं और साधारण कितने हैं। 4 से भाग किया, 4 3 12, जितने पे कटेगा वो हमारे लीप, बाकी जो बच गया वो हमारे साधारण। अब एक साधारण में 1 और 9 में कितने, 9, तो एक लीप में 2, तो 3 में कितने, 3 2 6, ऐसे करते आए हैं। क्योंकि मैं करवा चुका हूँ इसलिए यहाँ पर अब बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 9 और ये 6, 3 2 6, 3 लीप ईयर, 9 साधारण, तो 9 और 6 15 हो गए हमारे। अब 15 को 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर आपने निकाल लिया भाई, 1 हमारा ओड डेज आ गया। अगर डायरेक्ट यही पूछता तो आप 1 ऐड कर देते, इसमें शनिवार हमारा उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया है, ये दिन आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए, तो ये आपको घटाने पड़ेंगे। ये क्या करने पड़ेंगे, आपको घटाने पड़ेंगे। तो घटाइए कैसे घटाएंगे, तो वही मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 का होता है तो मई के आपने 4 एक्स्ट्रा काउंट कर लिए, जून के आपने 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 15, ये आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए, तो इनको घटा देंगे। तो 30 वाले में 2, 31 वाले में 3 और 15 वाले में 7 2 14 और 1, 7 से भाग करेंगे तो 4 और 3 7, मैंने बोला था कि 7 दिन का योग है, आप उनको काट सकते हो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, तो 2 और 1 3, तो ये 3 विषम दिन आपने एक्स्ट्रा जोड़े थे, इनको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 आया था, यहाँ से 3 आया था, तो ये आपने एक्स्ट्रा जोड़े थे, तो 1 में से 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -2। ये समझ में आया कि नहीं आया, हमने अपना क्वेश्चन सिंपल बनाने के लिए तारीख और महीना सेम कर दिया और जो हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए थे वो हम घटा देंगे। तो एक्स्ट्रा हमने 3 विषम दिन काउंट करे थे, तो 1 में से 3 घटाओगे तो -2 आएगा, तो माइनस का मतलब पीछे जाओगे, तो शुक्रवार में -2 करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2 पीछे जाओगे, पहले 1 वीरवार और फिर हमारा बुधवार, तो इस दिन क्या होगा, वेडनेसडे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इससे मुश्किल क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए वीडियो को, और फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब वहाँ पर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे जो आपकी इसके अलावा टाइप बनती है उसको और देख लेते हैं। अब देखिए आपकी सभी टाइप मैंने कवर कर दी है यहाँ पर, कि ओड डेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन जो हर बार बन पूछा जाता है आपका, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ ये, कि आपका कौन सा कैलेंडर 1991 के जैसा होगा निम्नलिखित में से, ए बी सी डी। आपसे पूछा जाएगा कि 1991 का जो कैलेंडर था, इन सभी में से कौन से साल का कैलेंडर 1991 के जैसा, 96, 1998,
उसके बाद है 2001 और 2002। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है कि 1991 विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज 1991, कि 1991 का जो कैलेंडर है तो कौन से साल का कैलेंडर उस जैसा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, जो भी आपको साल दे रखा है 1991 उसके लिए कोई भी तारीख ले लो, कोई भी जो आपका मन करे। तो हम ले लेते हैं 1 जनवरी 1991, ठीक है। जो आपको साल दे रखा है उसकी कोई भी तारीख ले लो और उसका दिन निकाल लो, उसमें कौन सा दिन है, और फिर वही दिन आपको इनमें से मैच करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो हमने ले ली भाई 1 जनवरी, आप अगस्त ले लो, मार्च ले लो, मई ले लो, जो आपका मन करे आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो अब ये हमारी टाइप बन गई पहले वाली, यानी कि 1 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा, इससे पहले कौन सा साल होगा 1990, और आपको 1 जनवरी 1991। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो 1990 को तोड़ोगे आप, 1600 + 300 = 1990, इसके दिन अलग और 1 जनवरी 1991 का अलग, यानी कि इसका तो एक ही होगा। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 1600 + 300 + 90, 1600 में कितने होते हैं आपके, 400 का मल्टीपल है, 100, 200, 300, 400 का मल्टीपल। तो ओल्ड एज 5, 3, 1, 0 से याद करवाए हैं, इसमें 0, 300 में कितने होंगे 1, और 90 में निकालने हैं तो 90 में निकालने का तरीका वही है, ऑर्डिनरी प्लस लीप ईयर। तो लीप ईयर के लिए 4 से भाग करो, कितने पे जाएगा ये 21, 22, ठीक है, 22 चौक 88, तो 22 तो लीप ईयर, बाकी जो बच गए 68 आपके साधारण, तो 68 × 1 और 22 × 2, 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज तो 22 में कितने 2, 1 ऑर्डिनरी में 1 तो 68 में कितने 68 × 1, तो ये 68 × 1 और ये 22 × 44, तो ये कितना हो गया 44, इसमें जोड़ दोगे 102, 102 ये और एक यहां से, तो टोटल कितना आ गया 103। अब ये 7 से ज्यादा है तो इसको 7 से भाग करो, तो ये कितना आएगा 7 × 7 = 3 बचेगा, और 3 यहां से लिया तो 7 चौक 28, और आपका कितना बचेगा 28 और 5, तो यहां से बचेगा 5, तो 5 ये और 1 ये जोड़ो 5 + 1, तो कितना आ गया भाई 6 आ गया हमारा, और 6 आ गया 100, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने जोड़ने में, अच्छा 8 × 4 = 12 = 10, 112 है ये, 112 + 1 = 113, एडिशन गलत कर दिया, तो 7 से भाग करोगे तो 7 × 7 तो 4 बचेगा, 7 × 6 = 42 तो 1 बचेगा यहाँ से, तो 1 + 1 हमारा आएगा 2, ठीक है, तो 1 + 1 आएगा हमारा 2, तो 2 का मतलब क्या होगा, 2 का मतलब क्या होता है 0, 1, 2, मैंने आपको बताया था 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे और 2 का मतलब ट्यूसडे। तो यानी कि 1 जनवरी 1991 को यदि हमारा मंगलवार है तो अब आपको इन सभी के लिए चेक करना होगा 1 जनवरी 1 जनवरी और 1 जनवरी। यदि इसके लिए आपने मार्च कैलकुलेट किया है तो सभी का मार्च, इसके लिए अगस्त कैलकुलेट किया है तो सभी का अगस्त, यदि इन चारों में से किसी का भी यदि ये आ जाए ओड डेज 2 आ जाए, यानी कि मतलब ट्यूसडे आ जाए, तो उसका कैलेंडर सेम होगा। समझ में आ गया सबको, इस तरह से आपको चेक करना है। अब मान लीजिए आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 2002, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है ज़्यादा ना पड़े, तो इसमें आपके ओड डेज 2 आए थे। अब देखिए हम निकालते हैं, हमने इसके लिए 1 जनवरी निकालना है तो हम निकालते हैं 1 जनवरी 2002 के लिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो 2002 से पहले क्या आया होगा 2001, और 2002 का हमें जाना है 1 जनवरी। अब 2000 को तोड़ोगे 2000 + 1 और ये आपका 1 जनवरी सिर्फ एक पर, तो 2000 में आपके कितने होते हैं 0, और यहाँ पर 1 में तो कोई फंडा ही नहीं निकालने का, डायरेक्ट 1, और 1 ये है आपका, इसको भी जोड़ दो तो 1 + 1 = 2, तो यहाँ पर भी ओड डेज आपके कितने आ गए
दो, तो इसका मतलब क्या होगा, इस दिन भी आपका क्या होगा, ट्यूजडे। तो कौन से कैलेंडर का सेम दिन होगा, तो ये आपका होगा 2002 का। आई होप आप लोगों को ये सीरीज समझ में आ गई होगी, हमने बेसिक भी कर लिया है और हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट में बता सकते हैं, कौन से टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत आ रही है, वही टॉपिक हम करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर कीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।